चंडीगढ़ में जो चुनाव इन्होंने धांधली की है बीजेपी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ऊपर से पेड़ छत्तीसगढ़ में पेड़ कट रहे हैं, उस पर कोई नेशनल चैनल उस पर नहीं दिखा रही है, उस पर न्यूज़ नहीं बता रही है। एप्पल जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए लड़ रहा है, उस पर कोई चैनल न्यूज़ नहीं दिखा रही है। दिखाएगी क्या राम मंदिर? और बताइए क्या जो राम को लाए हैं लाएंगे वो हम उनको लाएंगे। बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन साथ में इन्होंने वादा किया था 14 में, मुझे याद है मैं भी मोदी का फैन हुआ करता था 2014 में, जब मैं छपरा अपने घर पे था तो 14 में हमारे जिले मरहौरा में मोदी जी आ रहे थे और इन्होंने 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया था और इन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे जो चीनी मिल है, महालक्टो मिल है, इसको मैं चालू करवाऊंगा। 2014 के बाद उस एरिया में आज तक मोदी ना गए ना उसकी चर्चा करी मोदी ने। मुझे तो मोदी जी का कोई काम दिखता ही नहीं है, बस ये दिखाते हैं जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ इन्होंने इमोशनल कनेक्शन जोड़ लिया है और मतलब जितने भी नेशनल चैनल हैं उस पर बस यही चीज़ें दिखाई जाती है। राम मंदिर दिखाया जाएगा, फिर से मथुरा का दिखाया जाएगा, उससे ज्यादा होगा 370 दिखा दिया जाएगा। की फेले मोदी जी की, किसानों पे लाठियां पड़ी वो मोदी जी की गारंटी, किले खड़ी हुई वो मोदी जी की गारंटी, पहलवानों को घसीटा गया वो मोदी जी की गारंटी, फौजी हमारे शहीद हुए वो मोदी जी की गारंटी, अभी तक जांच नहीं हुई, बेरोजगारी है वो मोदी जी की गारंटी। इनसे सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करा लो, धर्म के नाम पे राजनीति करा लो, ये देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। हर आदमी तो परेशान है, इधर किसान, इधर जवान इधर बैठे, किसान अभी आ रहे हैं, आधे किसान वहाँ बैठे हैं, बेरोजगारी। अच्छा, सबको गरीब बना दो, एक ही आदमी रहेगा अमीर, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, वही अमीर रहेगा। जिस आदमी ने 40 साल भिक्षा मांग के खाया उसको क्या पता अमीरी गरीबी क्या हो। सब परेशान है, पूरा देश परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई है, अपना ये शिक्षा पे टैक्स लगा दिया 18% GST। अरे मतलब तुम्हें कोई बुराई नहीं नजर नहीं आ रही, हमें तो हम तो सारी बुराइयां गिना रहे हैं, लेकिन आपका तो सिर्फ हरा हरा दिख रहा है। अभी ढोल पीटा था, महिला आरक्षण मिल लिया है, महिलाओं का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? देश की आधी आबादी महिला की है, तो ये झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की भगा हुई है सरकार। मतलब वर्तमान में जो हमारी सरकार है बीजेपी की, वो सिर्फ मतलब धर्म पे बात कर रही है और मतलब लोगों को इमोशनल कर रही है वो। और मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आजकल बीजेपी पार्टी है वो मतलब विश्व की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है, तो उसने मीडिया को खरीद लिया है, जितने भी सारे मतलब दोगपति हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिला के मतलब यही जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी बात ही अलग। आज तक इन पर मैं प्रत्यक्ष आरोप लगा सकता हूँ कि ये मतलब मीडिया नहीं, ये बीजेपी के दलाल। सुबह शाम सबसे बड़ी देश की बर्बादी में नेशनल मीडिया का हाथ होगा, क्योंकि ये सुबह शाम एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं। अरे 11 दिन तो मंदिर तुम्हारे पास काम धंधा है, फिर कहते हैं जी छुट्टी नहीं करते हैं। एक महीने वहाँ विधान कहाँ हुआ था इलेक्शन? प्रेस की आज़ादी नहीं है भारत में? बिल्कुल नहीं है। देश की बर्बादी में मीडिया का नंबर 1 होगा हाथ, अब की बार जो ये हो रहा है ना। तो वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है पता है आपको? क्या मैं रैंकिंग क्या है? सबसे फिसड्डी होगी। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग के परिवार की सरकार है, ये सरकार है उद्योगपतियों की और गुजरातियों की। आपने बात की महिला सशक्तिकरण की, मणिपुर में वो घटना हुआ, अभी कुछ दिन पहले BHU में घटना हुआ था जिसमें 3 युवक मुसलमान का नाम धारण करके उन्होंने ऐसा मतलब रेप किया और बाद में पता चला कि क्या वो एक हिंदू है। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बस हिंदू मुसलमान करवाओ, मंदिर पर बहस करो, ज़्यादा हो तो पाकिस्तान को दिखा दो कि पाकिस्तान इतना रो रहा है, गरीब है, मर रहा है, मतलब भाई उस पर बात करो, असली मुद्दे पर बात मत करो, किसान पर बात मत करो, मजदूर पर बात मत करो। 2014 में 260 रुपये थी लेबर कॉस्ट, आज कितनी है? 320 रुपये, बताइए 10 साल हो गए। प्रधानमंत्री की मुझे भाषण सुन के इतना शर्मनाक फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो गया। इतिहास में पहली बार सबसे झूठा प्रधानमंत्री मैंने देखा है, जो अपने माँ की सहानुभूति पर वोट लेता है, पुलवामा के सैनिकों पर वोट लेता है, मंदिर पे वोट लेता है, काम गिनवा के कभी वोट नहीं लेता है, सिर्फ झूठे झूठे सहानुभूति लेते हैं। मतलब हमारे स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे जो ये बोलते थे कि जिस दिन समझिए मीडिया मेरे खिलाफ है तो मैं देश में काम हो रहा है, और जिस दिन मीडिया मेरे माफिक बोलने लगे ना समझ लिए मैं बिक गया। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है, अडानी अंबानी के हाथ वो बिक चुके हैं। पत्रकार महोदय, सवाल ये नहीं है कि बस्तियां जली कैसे और आग लगाई किसने, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस दी किसने। विदेशों में डंका बज रहा है, विजय माल्या, नीरव मोदी, 36 लोग पैसा लेके भागे हिंदुस्तान का है, उनको ला दी पा रहे।